सिट्रोएन वालों ने अपनी C3 हैचबैक को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। बहुत ही एग्रेसिव प्राइस पॉइंट रखा है कंपनी ने और इस हैचबैक को आज हम एसयूवी लुकिंग हैचबैक मारुति इग्निस के साथ कंपेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सी कार आपके लिए बढ़िया रहेगी। सबसे पहले डायमेंशंस को कंपेयर करें तो आप लोग देख ही सकते हो C3 में आपको लेंथ ज़्यादा मिलती है, विड्थ ज़्यादा मिलती है, हाइट सिर्फ 9 mm कम मिलती है, व्हीलबेस आपको ज़्यादा मिल जाती है, बूट स्पेस ज़्यादा मिलती है, ग्राउंड क्लियरेंस और टायर साइज इक्वल मिल जाती है। मतलब C3 में आपको बहुत ही बढ़िया केबिन स्पेस मिलने वाली है। फ्रंट रो हो या फिर सेकेंड रो हो, बढ़िया केबिन स्पेस मिलेगी आपको। सेकेंड रो में 3 adults इजीली बैठ पाएंगे, बूट स्पेस भी आपको ज़्यादा मिलेगी, तो थोड़े बहुत सामान एक्स्ट्रा आप कैरी कर पाओगे। 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती हो तो थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग भी आप इस कार से कर पाओगे। 15 inches की बड़ी व्हील भी आपको मिल जाती है। C3 में आपको कंपनी जो डायमेंशंस ऑफर करती है वो बड़े बड़े जो 4.4 meter SUVs आती है ना उनको भी कड़ी टक्कर देती है। तो इग्निस इस मामले में C3 के सामने कुछ भी नहीं है। C3 में आपको बढ़िया केबिन स्पेस मिलती है, लेकिन हाँ इग्निस में ऐसा नहीं है कि आपको केबिन स्पेस नहीं मिलेगी। इग्निस में भी आपको एक हैचबैक के हिसाब से बढ़िया केबिन स्पेस मिल जाती है, लेकिन C3 में आपको 4.4 meter SUV जैसा पेस मिलती है। कहने का मतलब यही है। अब इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो C3 में आपको 2 engine ऑप्शन मिल जाती है। 1.2 liter 3-cylinder प्योरटेक नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल जो 80 bhp और 115 Nm टॉर्क पैदा करता है। 5-speed मैनुअल गियरबॉक्स मिल जाता है। 19.8 kmph माइलेज क्लेम करा जाता है। दूसरी इंजन है 1.2 liter 3-cylinder प्योरटेक टर्बो पेट्रोल इंजन जो 109 bhp और 190 Nm टॉर्क पैदा करता है। 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है आपको 19.4 kmph क्लेम्ड माइलेज के साथ। दोनों ही इंजन ऑप्शन में आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ऑफर करा जाता है, कोई भी ऑटोमेटिक या फिर AMT का सस्ता विकल्प भी आपको दोनों ही इंजन ऑप्शंस में ऑफर नहीं करा जाता। इसके मुकाबले इग्निस में मिलता है आपको एक पेट्रोल इंजन जो कि है 1.2 liter 4-cylinder VVT नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो 82 bhp और 113 Nm टॉर्क पैदा करता है। 5-speed मैनुअल के साथ 5-speed AMT का विकल्प भी आपको इग्निस में मिल जाता है 20.89 kmph क्लेम्ड माइलेज के साथ। तो इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो अगर आपको एक बढ़िया पावरफुल इंजन चाहिए, टर्बो पेट्रोल इंजन चाहिए, आप लोग C3 को चुन सकते हो। इग्निस में आपको नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, लेकिन अगर बात करें नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन में कौन सा बढ़िया रहेगा तो मारुति इग्निस बढ़िया रहेगी, क्योंकि मारुति इग्निस में आपको 4-cylinder इंजन मिलता है। आपको मैनुअल के साथ AMT का भी ऑप्शन मिल जाता है, मतलब ऑटोमेटिक, और माइलेज भी आपको ज़्यादा क्लेम करा जाता है। इसके अलावा इग्निस का इंजन बहुत ही रिलायबल, ट्रस्टेड और पॉपुलर इंजन है। ये इंजन आप लोगों ने पहले स्विफ्ट में बलेनो में इस्तेमाल होता हुआ देखा होगा, तो वो इंजन आपको इग्निस में मिलती है। तो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन अगर आप लोग चाहते हो तो आप इग्निस को चूज कर सकते हो। कॉम्फर्ट फीचर की बात करें तो C3 में आपको मिलता है पावर स्टीयरिंग, ऑल 4 पावर विंडोज, मैनुअल SUV थीटर, हेलोजन हेडलैम्प्स एंड टेल लैम्प्स, मैनुअली इंटरनली एडजस्टेबल वार VMs, बेसिक डिजिटल MID, 10-inch टच स्क्रीन विथ 4 speaker, कस्टमाइजेशन कलर ऑप्शंस, रिमोट कीलेस एंट्री और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। जबकि इग्निस में आपको मिलेगा पावर स्टीयरिंग, ऑल 4 पावर विंडोज, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, LED हेडलैम्प्स, टिल्ट स्टीयरिंग, स्मार्ट कीलेस एंट्री, इलेक्ट्रिक एडजस्ट एंड फोल्डेबल वार VMs, फ्रंट एंड रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट, एलॉय व्हील्स, रियर पार्किंग कैमरा विथ सेंसर, फॉग लाइट्स, रियर वाइपर वॉशर और डीफॉगर, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 7-inch टच स्क्रीन विथ 4 speaker एंड 2 tweeters। तो कॉम्फर्ट फीचर को अगर कंपेयर करें तो आप लोग देख सकते हो C3 में आपको बहुत ही बेसिक मामूली कॉम्फर्ट फीचर ऑफर करे जाते हैं, इसीलिए कॉम्फर्ट फीचर के मामले में मारुति इग्निस आगे निकल जाती है। C3 में आपको कॉम्फर्ट फीचर ऑफर ही नहीं करे जाते 2022 के हिसाब से। सेफ्टी फीचर की बात करें तो C3 में आपको मिलेगा डुअल एयरबैग, ब्रेक असिस्ट, ABS विद EBD, हाई स्पीड अलर्ट, चाइल्ड लॉक रियर डोर्स, सीट बेल्ट वार्निंग जैसे सेफ्टी फीचर। जबकि इग्निस में आपको मिलेगा डुअल एयरबैग, ABS विद EBD, हाई स्पीड अलर्ट, चाइल्ड लॉक रियर डोर्स, सीट बेल्ट वार्निंग और 3-star क्रैश टेस्ट रेटिंग फ्रॉम ग्लोबल NCAP। तो सेफ्टी फीचर्स को अगर कंपेयर करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको इक्वल सेफ्टी फीचर मिल जाते हैं, लेकिन अगर क्रैश टेस्ट रेटिंग की बात करें तो इग्निस का क्रैश टेस्ट हुआ है और उसे 3-star की रेटिंग मिली हुई है, इसलिए हम लोग
इग्निस को ही सेफ्टी पैरामीटर में आगे रखेंगे। अब प्राइसिंग की बात करें तो C3 की प्राइसिंग शुरू हो जाती है 5.71 लाख रुपए से और चली जाती है 8.06 लाख रुपए तक, जबकि इग्निस की प्राइसिंग शुरू होती है 5.35 लाख रुपए से और चली जाती है 7.72 लाख रुपए तक। प्राइसेस को अगर कंपेयर करें तो आप लोग देख ही सकते हो इग्निस का प्राइसिंग बहुत कम है। आपको बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक प्राइसिंग कम देखने को मिलेगी इग्निस में C3 के मुकाबले। तो अब कॉन्क्लूजन की बात करें तो आपको करना क्या चाहिए। तो अगर आप सेफ गेम खेलना चाहते हो, रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप मारुति इग्निस के तरफ जा सकते हो। इसमें आपको मिलता है एक वेरी रिलायबल ट्रस्टेड और पॉपुलर 1.2 लीटर फोर सिलेंडर VVT पेट्रोल इंजन। आपको मिल जाता है मैनुअल के साथ AMT का सपोर्ट, मतलब ऑटोमेटिक मिल जाता है आपको। माइलेज बढ़िया मिल जाती है आपको, आफ्टर सेल सर्विस मिल जाता है, बढ़िया रीसेल वैल्यू मिलेगी। आप लोग 15 साल बिना किसी टेंशन के इग्निस को चला पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको इस कार में देखने को नहीं मिलेगी। जबकि C3 एक नई कार है, एक नया प्रोडक्ट है, फ्रेश प्रोडक्ट है, और C3 का जो शोरूम्स वगैरह है या फिर सेल्स नेटवर्क वगैरह है वो बहुत ही कम है इंडियन मार्केट में फिलहाल। इसीलिए अगर आपके बगल में C3 का शोरूम मौजूद हो और अगर आप शहर में रहते हो, शोरूम मौजूद होने के साथ साथ सेल्स जो आफ्टर सेल्स नेटवर्क है वो आपको बढ़िया अगर ऑफर करी जाती हो तो ही आप C3 के ऊपर जा सकते हो। लेकिन C3 का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन को मात्र परचेस करके आप लोग इसका टर्बो इंजन को परचेस कर सकते हो, क्योंकि पावर आपको टर्बो पेट्रोल इंजन में ही मिलेगी। तो ये था दोस्तों मेरा ओपिनियन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।